दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक नोवेल को कवर करेंगे जिसका नाम है ललिता। जी हाँ, ललिता। अब नाम सुन के ऐसा लग रहा है जैसे ये किस टाइप की नोवेल होगी। जी हाँ, ये उसी टाइप की नोवेल है जैसी आप समझ रहे हो। ये नोवेल अपने टाइम में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सीज़ में घिरी हुई थी। कोई भी पब्लिशर इस नोवेल को छापने को तैयार नहीं था। एंड में जाकर के इसको ओलंपिया प्रेस ने छापा। ये पेरिस की एक प्रिंटिंग प्रेस थी जो ज़्यादातर अश्लील चीज़ें छापने के लिए जानी जाती थी। तो इस नोवेल को लिखा था एक रशियन अमेरिकन ऑथर व्लादिमिर नेबोकॉव ने। व्लादिमिर नेबोकॉव ने ये कहानी लिखने के बाद में ऑलमोस्ट इसको जलाई दिया था, लेकिन इनकी वाइफ ने इस कहानी को जलने से बचा लिया और इसको छपवाया। 1952 से 1955 के बीच में इसको लिखा गया था। 1955 में पहली बार पेरिस में इसको पब्लिश करवाया गया, दूसरी बार US में 1958 में इसको पब्लिश करवाया गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो मैं पहले ही आपको वार्निंग समझ लो या एडवाइस समझ लो, इसको अकेले सुनना। एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था जॉन रे, जिसने PhD कर रखी थी और अपनी केस स्टडी में लगा हुआ था अब नॉर्मल साइकोलॉजी पर। तो इसके हाथ एक लिखी हुई स्क्रिप्ट, जिसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, हिंदी में पांडुलिपि, वो इसके हाथ लगी। एक मर्डरर, बलात्कारी पागल आदमी ने इस स्क्रिप्ट को लिखा था जिसका नाम था हम्बर्ट। इस स्क्रिप्ट के अंदर उस खूनी ने अपनी खुद की कहानी लिखी थी। वो इस कहानी में लिखता है कि उसने एक लड़की का अपहरण किया जिसका नाम था ललिता, और वो ललिता अभी मर चुकी है क्रिसमस के दिन एक बच्चे को जन्म देते हुए। और ललिता के मरने के बाद ये खुद हम्बर्ट भी हार्ट अटैक से मर गया। साल 1952 में ललिता और हम्बर्ट दोनों की डेथ हो गई। अब इस साइकोलॉजिस्ट रे को उसकी कहानी हाथ लगी है, उसकी पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट हाथ लगी है। ये इसकी कहानी को पढ़ता है। हम्बर्ट की कहानी की शुरुआत होती है जब वो बच्चा था। बचपन में जब वो 13 साल का था तो उसे एक 12 साल की लड़की एनाबेट से प्यार हुआ था जब वो रिवियरा में रहता था। ये एक जगह का नाम है रिवियरा। तो हम्बर्ट के फादर का एक होटल था, उसी में वो लड़की एनाबेल रहने आई। एनाबेल के पेरेंट्स हम्बर्ट के पेरेंट्स की फैमिली फ्रेंड्स थे, मतलब ये दोनों फैमिली फ्रेंड्स थे। एनाबेल उस वक्त 12 साल की थी और ये हम्बर्ट 13 साल का, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये दोनों बच्चे प्यार में पड़ गए और ये कोशिश करते थे कि किसी की नज़रों में आए बिना ये लोग गलत हरकतें करें। एक दिन जब वो ये सब कर रहे थे तो उनको किसी ने पकड़ लिया। तो उसके बाद इन दोनों को बड़ी डांट पड़ी और हम्बर्ट ने एनाबेल को उसके बाद कभी नहीं देखा। थोड़ा टाइम गुजरा, हम्बर्ट को एक दिल दहला देने वाली खबर मिली कि एनाबेल की डेथ हो चुकी है टाइफाइड से। एनाबेल की डेथ के बाद इसको बड़ा झटका लगा, जिसके बाद ये पेरिस चला गया पढ़ने के लिए। ये थोड़ा बड़ा हो गया था लेकिन अभी भी एनाबेल को भुला नहीं पाया था। पेरिस और लंदन में रहकर इसने लिटरेचर पढ़ा और मैगजीन्स वगैरह में ये आर्टिकल्स लिखा करता था। अब वहाँ रहते रहते इसकी उम्र बढ़ रही थी और धीरे धीरे ये जवान हो रहा था, लेकिन इसका अट्रैक्शन अभी भी ऐसी लड़कियों की तरफ था जो उम्र में इससे छोटी होती थी, खास करके 12 से 14 साल की। और ये उस उम्र की लड़कियों का एडवांटेज लेने की ट्राई करता था और अपनी वासना के चलते ये प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी जाया करता था, लेकिन वहाँ जाकर भी ये कम उम्र की प्रोस्टिट्यूट्स को तलाशता था। अब किसी कारण से इसका वहाँ जाना बंद हो गया, तो हम्बर्ट ने सोचा कि उसकी इस गर्मी को ठंडा करने के लिए एक ही रास्ता है, शादी। शादी कर लेगा तो वो घरेलू कामकाज में लगा रहेगा और टाइम टू टाइम उसे वो सब मिलता रहेगा जो वो चाहता है। तो साल 1935 में उसने अपने डॉक्टर की बेटी वैलेरिया से शादी कर ली। उसके साथ उसकी शादी काम चलाऊ तरीके से 4 साल तक तो ठीक ठाक चली, लेकिन वो लड़की किसी रशियन टैक्सी वाले के साथ भाग गई। उसके छोड़कर भागने के बाद ये US आ गया। वहाँ ये किसी यूनिवर्सिटी के लिए फ्रेंच लिटरेचर में कोई बुक लिखने लगा। अब इस बीच इसे लगा कि इसकी दिमागी हालत थोड़ी बिगड़ रही है, तो ये किसी हॉस्पिटल में पहुंच गया। वहाँ कुछ सालों के लिए ये वहीं रहा उस हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल वाले इसको छोड़ नहीं रहे थे तो ये जैसे तैसे करके अपने साइकोथेरेपिस्ट को धोखा देकर वहाँ से निकल आया। साल 1947 में इसको वहाँ से फ्री कर दिया गया। वहाँ से फिर ये न्यू इंग्लैंड आ गया, मतलब रास्ते में था, आ रहा था मैकूज फैमिली के साथ रहने के लिए। अब ये उस फैमिली के साथ इसलिए रहने आ रहा था क्योंकि मैकूज फैमिली में एक डॉटर थी, मैकूज फैमिली की उम्र में छोटी थी जितनी इसको चाहिए थी। तो जब ये मैकूज फैमिली के घर में रहने आया तो इसको पता चला कि उस घर में तो आग लग गई है। तो घर के ऑनर ने इससे कहा कि दूसरी जगह चले जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ जहाँ मिसेस शैलॉट नाम की एक महिला रहती है अपनी डॉटर के साथ में। अब ये मैकूज खुद उसको घर दिखाने के लिए गया। जब ये वहाँ पहुँचा तो
तो इसने नोटिस किया कि शैलोट इससे फ्लर्ट कर रही थी। तो ये हम्बर्ट बड़ा अनइजी फील कर रहा था। इसने तय कर लिया कि ये औरत कितनी ठरकी है, मुझे इस औरत के साथ बिल्कुल नहीं रहना यहाँ पे। देखो तो कौन बोल रहा है। तो हम्बर्ट अब वहाँ से जाने वाला था, तभी इसने क्या देखा, शैलोट की बेटी वहाँ पे आई, जिसका नाम था डलरेस। ललिता 12 साल की थी, असल नाम इसका था डलरेस। इसको देखते ही पहली बार में इस हम्बर्ट को इश्क हो गया। इस हम्बर्ट को लगा कि इसके बचपन का प्यार एनाबेल दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आया है। लेकिन इसको इसकी माँ शैलोट की ये फ्लर्टिंग पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये इन लोगों के साथ रहेगा। अब दोस्तों, हम्बर्ट के पास हमेशा एक डायरी होती थी, जिसमें वो ये सब लिखता था। हर दिन की बात लिखता था, हर पल की बात लिखता था। जब ये इनके साथ में रह रहा था तो ये जो कुछ भी फील कर रहा था, ये ललिता के बारे में ज़्यादातर डिटेल्स देता था, किस तरह से वो ललिता का शेड्यूल करने की कोशिशें करता था, वो सब इस डायरी में लिखता था। वो ऐसे में जब जब वो अपने लिमिट्स क्रॉस करता था तो अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखता था, लेकिन कभी भी मौका मिले तो ललिता को यहाँ वहाँ हाथ लगाने से कभी नहीं चूकता था। ललिता की हमेशा अपनी माँ से लड़ाई होती थी। शैलोट हमेशा अपनी बेटी को बाहर भेज देती थी ताकि वो हम्बर्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार सके। अब ये बात तो क्लियर थी कि वो हम्बर्ट से शादी करना चाहती थी। जहाँ तक बात है ललिता की, तो वो भी हम्बर्ट की कंपनी पसंद करती थी। अब एक दिन ये हम्बर्ट ललिता के साथ घर में अकेला था, वो लोग गाना गा रहे थे, तो तब भी इस हम्बर्ट ने ललिता का एडवांटेज लेने की कोशिश की। अब दोस्तों, इस मोमेंट पर ये हम्बर्ट अपनी डायरी में ऐसी ऐसी बातें लिखता है, वो फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको बोल नहीं सकता। वो लिखता है कि उसने बड़ा एंजॉय किया। अब इस ललिता की माँ शैलोट ने ललिता को समर कैंप में भेज दिया और खुद भी चली गई। शैलोट की वापस आने की शर्त ये थी कि हम्बर्ट को उससे शादी करनी पड़ेगी, तो हम्बर्ट को मजबूरन ललिता के पास में रहने के लिए शैलोट से शादी करनी पड़ी। अब शादी करने के बाद ये शैलोट और ये हम्बर्ट, ये दोनों झील में नहाने गए। ललिता अभी भी समर कैंप में थी, तो जब ये झील में नहा रहे थे तो शैलोट ने इससे बोला, हम्बर्ट से बोला कि ललिता को बोर्डिंग स्कूल में भेजने की तैयारी कर रही है, जब वो कैंप से वापस आ जाएगी तो उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे। हम्बर्ट को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि एक बार के लिए तो इसके दिमाग में ख्याल आया कि ये शैलोट को वहीं डुबाकर मार दे, लेकिन इसने सोचा कि इसको कोशिशें करनी चाहिए कि ये एक अच्छा फादर दिखने की कोशिश करे, ताकि शैलोट को ये लगे कि ललिता को बोर्डिंग स्कूल भेजने की बजाय घर पर ही रखना ठीक है। अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है, ये हम्बर्ट नींद की गोलियां लेने घर से बाहर जाता है, शैलोट और ललिता को वो गोलियां देकर ये ललिता का फ़ायदा उठा सके, ये सोच करके ये नींद की गोलियां लेने बाहर जाता है। लेकिन यहां शैलोट को हम्बर्ट की डायरी मिल जाती है, जिसमें ये सब कुछ लिखता था। अब जब ये घर लौटा तो शैलोट इस पर चिल्लाई, इसको जानवर बुलाने लगी, मॉन्स्टर, बहुत चिल्लाने लगी। ये उन कागज़ों को लेकर के घर से बाहर भाग गई। घर से बाहर भागती हुई आ गई तो एक कार से इसका एक्सीडेंट हो गया और ये वहीं मर गई। हम्बर्ट ने ये सीन देखा और उसने तुरंत फैसला कर लिया कि इसको अरेंजमेंट कर लेनी चाहिए कि ललिता को पालने का जिम्मा ये अपने हाथ में ले ले, कहीं ललिता इसके रियल फादर के हाथ में चली गई तो बात वैसे ही बिगड़ जाएगी। तो ये जल्दी जल्दी कैंप गया, उस समर कैंप गया, और वहाँ से ललिता को पिक किया। कहता है कि तुम्हारी माँ बीमार है, ऐसा बोल करके वो उसको एक होटल में ले गया। वहाँ इसने उसे नींद की गोलियाँ दी जो ये लेके आया था मार्केट से, उसको बेहोश किया और उसका रेप करने की कोशिश की। जब ललिता जागी तो इसने उसको छोड़ दिया। जागने के बाद ललिता ने खुद आगे से हम्बर्ट के साथ सेक्स किया। हम्बर्ट ये चीज़ देखकर बहुत सरप्राइज हो गया। हम्बर्ट अपनी डायरी में लिखता है कि ज़रूर ये कैंप में ही कहीं ना कहीं बिगड़ी है। अब उस होटल से निकलने के बाद ये दोनों वापस हाईवे पर आ गए। कार में बैठे बैठे अचानक ललिता ने इसको धमकी दी, हम्बर्ट को धमकी दी कि ये बात वो अपनी माँ को बताएगी या फिर पुलिस वालों को बताएगी। तो हम्बर्ट ने उसे बोला कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। ललिता को ये सुनकर के बहुत झटका लगा, वो अनाथ हो गई थी और कहीं जा भी नहीं सकती थी सिवाय हम्बर्ट के साथ रहने के। ललिता और हम्बर्ट दोनों 2 सालों तक होटलों, रोडों पर और जगह जगह पर घूमते रहे। इसने ललिता को धमकी दे रखी थी कि मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, ये पागल होता जा रहा था। जर्नी के दौरान ललिता को जो कुछ भी चाहिए हम्बर्ट उसको खरीद कर देता था। साल 1948 कैलिफोर्निया, ललिता ने टेनिस सीखना शुरू कर दिया था और हम्बर्ट को भी अब प्रॉब्लम हो रही थी, वो हाईवेज पर दौड़ते भागते अब नहीं जी सकता था, उसको एक परमानेंट, एक प्रॉपर जगह चाहिए थी।
तो इसने ललिता के साथ एक जगह पर सेटल होने की सोची। तो एक लेक्चरर की जॉब करते हुए ये एक जगह पर सेटल हो गया। वहीं लोकल गर्ल्स कॉलेज में इसने ललिता का एडमिशन भी करवा दिया। ललिता के वहाँ पर दोस्त बन गए, उसे वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद आ रहा था। लेकिन वहाँ की जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, उसको शक होता था कि ललिता के घर का एनवायरनमेंट कुछ अजीब सा है। तो हेडमिस्ट्रेस ने क्या किया, हम्बर्ट से आकर बात की, कहा कि आप अपनी बेटी को लोगों से घुलने मिलने दो, सोशल होने दो, उसे थोड़ा स्कूल के प्लेज में हिस्सा लेने दो। तो अब हम्बर्ट को शक होने लगा था कि कहीं ललिता अपने स्कूल फ्रेंड्स को कुछ बता तो नहीं रही। आजकल वो अपने पियानो लेसन्स में मिस करने लगी है, तो वो ललिता से लड़ने लगा। तो ललिता घर से भाग आई और टेलीफोन बूथ पर ये पकड़ी गई। इसको पकड़ लिया हम्बर्ट ने। ललिता का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे वो अब मैच्योर हो रही थी। इसके बाद मई 1949 में ये लोग वापस सड़कों पर आ गए। ललिता ने खुद ने कहा कि मुझे ये लाइफ पसंद नहीं आ रही, मुझे वापस हाईवेज पे जाना है, जैसी हमारी पहले ज़िंदगी चल रही थी वैसे जीना है। अब ये ट्रिप पर निकल गए वापस एक और ट्रिप पर। तो हम्बर्ट को लगा कार चलाते हुए कि कोई लाल गाड़ी इसका पीछा कर रही थी। वो आदमी लाल गाड़ी में शायद हम्बर्ट का कोई जान पहचान का अंकल था। तो ललिता ने उस अंकल को इशारों से कुछ कहा। जब हम्बर्ट उस अंकल से बात कर रहा था तो हम्बर्ट उसे देख नहीं रहा था, तो वो उस आदमी को इशारों से कुछ कह रही थी कि मुझे इससे बचा लो। इस हम्बर्ट को और ज़्यादा चिंता होने लगी कि ललिता उससे बचकर भागने की कोशिश कर रही है। तो उसे लगा कि वो सचमुच पागल हो रहा है। अब अचानक एक दिन क्या होता है, ललिता की तबीयत बिगड़ गई। तो हम्बर्ट ने उसको एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ललिता कुछ दिनों तक वहीं रही। अब जब ललिता को डिस्चार्ज करने का टाइम आया, हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में लेने गया, तो इसको क्या पता चला कि ललिता का कोई अंकल था, वो ललिता को पहले ही लेकर जा चुका है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे बताया। तो हम्बर्ट डर गया कि ऐसे कैसे जाने दिया तुम लोगों ने। वो ललिता को बहुत परेशान होकर के ढूंढने लगा कि किस लवर के साथ भाग गई है ललिता अपने। लेकिन हम्बर्ट उस आदमी की चालाकी से बड़ा इंप्रेस हुआ कि उसकी नामौजूदगी में उसकी नाक के नीचे से वो आदमी ललिता को उड़ा ले गया और वो कुछ भी नहीं कर सका। अब हम्बर्ट ने बहुत टाइम तक कोशिशें की कि वो ललिता को ढूंढे। वो यहाँ वहाँ ढूंढता रहा ललिता को, लेकिन ढूंढ नहीं पाया। फिर एक शराबी लड़की रीटा के संपर्क में आया और 2 सालों के लिए ये रीटा के साथ में रहा। अब 2 सालों तक ऐसे ही टाइम गुजरा, इस बीच पता नहीं क्या हुआ। लेकिन सितंबर 1952 में हम्बर्ट को एक लेटर मिला। ये लेटर था ललिता का। ललिता ने एक डिक नाम के इंजीनियर से शादी कर ली थी और ललिता उस लेटर में हम्बर्ट से कुछ पैसों की मांग कर रही थी ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ में अलास्का जा सके। इसके हस्बैंड की कोई जॉब है अलास्का में, वहाँ जाकर के ये सेटल हो सके, इसके लिए कुछ पैसों की मांग कर रही थी ललिता इस हम्बर्ट से। लेकिन ललिता के मन में आज भी डर था, तो इसने हम्बर्ट को अपना एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, हम्बर्ट के पागलपन ने उसे इतना तो शातिर बना ही दिया था कि वो ललिता का पता खुद पता लगा सके इस लेटर के ज़रिए। उसने अपने साथ में एक बंदूक ले ली और ललिता के हस्बैंड को मारने के लिए, क्योंकि उसे लगा कि ये वही आदमी है जिसने हॉस्पिटल से ललिता को चुरा लिया था। अब हम्बर्ट ललिता के घर पहुंचा, तो ललिता ने अपने घर में उसका स्वागत किया। ललिता बड़ी हो गई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, और अब वो बच्ची नहीं थी जिससे हम्बर्ट कभी पसंद किया करता था। लेकिन अभी भी हम्बर्ट कहीं ना कहीं ललिता से प्यार करता था। उसने ललिता के हस्बैंड को देखा और उसे विश्वास हो गया था कि ये वो आदमी नहीं है जिसने ललिता को किडनैप किया था हॉस्पिटल से। तो इसने फैसला किया कि ये ललिता के हस्बैंड को नहीं मारेगा। लेकिन ये हम्बर्ट ललिता पे प्रेशर डालने लगा कि मुझे नाम बताओ उस आदमी का जिसके साथ तुम भागी थी। ललिता इसको बोलती है कि उस आदमी को ये बहुत पहले से जानती थी जिसके साथ ये भागी थी। वो एक प्लेराइट था जिसके साथ ये स्कूल में रिहर्सल करती थी। उसके साथ ये प्रेम में पड़ी, उसने इसको बचाया, उसके साथ ये भागी हॉस्पिटल से। लेकिन वो आदमी इसको, ललिता को, अपनी चाइल्ड पोर्नोग्राफी फिल्म्स में काम करवाना चाहता था। तो इस ललिता ने उस आदमी को छोड़ दिया। उस प्लेराइट का नाम था क्लेयर क्वेल्टी। हम्बर्ट ने ललिता की कहानी सुनी। उसकी कहानी सुनने के बाद में हम्बर्ट ने उसको कुछ पैसे दिए जो वो मांग रही थी और कहा कि तुम जल्द से जल्द अपने पति के साथ यहाँ से निकल जाओ। ललिता ने पहली बार उस आदमी में एक मॉन्स्टर नहीं, अपना बाप देखा था। ये चीज़ देखकर वो सरप्राइज हो गई। उसने हम्बर्ट को टच करने की कोशिश की, लेकिन हम्बर्ट पीछे हट गया और वहाँ से चला गया। उसका दिल टूट गया था। वो कार ड्राइव करता हुआ वहाँ से चला गया, शायद वो रो रहा था। वो वापस आकर अपने लॉयर से मिला
और प्रॉपर्टी ललिता के नाम कर दी, अपनी सारी प्रॉपर्टी ललिता के नाम कर दी। इसके बाद वो उस प्लेराइट क्लियर क्वालिटी को ढूंढने में लग गया। उसके दिमाग में बस बातें चल रही थी कि उसने ललिता को कितना हर्ट किया है। इस हम्बर्ट के दिमाग में बस बातें चल रही थी। फिर आखिरकार वो उस प्लेराइट के पास पहुंच ही गया। सुबह सुबह का टाइम था, वो अपनी गन लेकर उसके घर में घुस गया उसको मारने। जब वो उससे मिला तो वो उसके सामने बंदूक ताने उसको धमकी देने लगा। ये चीज़ देखकर वो प्लेराइट हंसने लगा और कहा कि मेरी बात सुनो। लेकिन हम्बर्ट ने उसे शूट कर दिया, कई बार शूट किया, बहुत बार उसने गोली मारी उस प्लेराइट को। लेकिन आखिर था तो वो एक प्लेराइट, तो बड़ा ड्रामा करते करते वो मरा। हम्बर्ट उसे गोली मारकर बड़े शान से घर से बाहर आया और दुनिया को बताने लगा कि मैंने उसे मार दिया। फिर वो अपनी कार लेकर रॉन्ग साइड हाईवे पर पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे रोका और अरेस्ट कर लिया। उसने अपनी कार को साइड में रोका और खुद अरेस्ट होने चला गया। अब दोस्तों, ये थी हम्बर्ट की कहानी, जिसे पढ़ने के बाद वो साइकोलॉजिस्ट रे, उसको हम्बर्ट पे गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।